बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में निस्कॉम में असिस्टेंट मैनेजर के कुछ पोस्ट आए हैं, तो उसकी प्रिपरेशन गाइडलाइन के हवाले से आज की इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। अभी नेक्स्ट फ्यू डेज में निस्कॉम का जो ये टेस्ट है ये कंडक्ट होगा और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किए हैं, क्योंकि इसमें जो एक्सपीरियंस हैं वो इसमें उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल ज़ीरो हैं। ओके, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो फ्रेश भी हैं उन्होंने भी इसके लिए अप्लाई किए हैं। तो इसकी प्रिपरेशन आपने किस तरह करनी है, तो वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन के हवाले से मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ना आपने स्मार्ट सीरीज़ को फॉलो करना है, ना आपने वीके मेहता को फॉलो करना है, ना हांडा को आपने फॉलो करना है, बल्कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ओके, वीके मेहता को आपने फॉलो करना है, उसके थ्योरी सेक्शन को आपने स्टडी करना है, और थ्योरी सेक्शन में स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल मशीन पोर्शन है उसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, और उसके जो फार्मूलाज हैं उसको आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। ओके, तो अगर उनके फार्मूलाज को अगर आप याद कर लो और उसके मेथडोलॉजी को आप अंडरस्टैंड कर लो कि अगर फलां टॉपिक से इस तरह के एमसीक्यूज आ गया तो उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, तो उन सारे क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करने के टेक्निक्स आते हैं तो यू कैन ईजिली टैकल दिस टेस्ट। ओके, आप ईजिली इस टेस्ट को आप पास कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ पोर्शन आप कवर कर लो, जो डायोड हो गया, थायरिस्टर हो गया, उससे रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो वो भी आप कोशिश कर लो कि वो उसको भी आप कवर अप कर लें। ओके, इस टेस्ट के लिए, तो इस टेस्ट के लिए मेरा आपके लिए यही रिकमेंडेशन होगा कि आपने थ्योरी सेक्शन पे अपना कमांड लाना है, क्योंकि इनके एमसीक्यूज जो होते हैं वो कॉपी नहीं होते, एनटीएस की तरह वो कॉपी नहीं होते हैं या पीटीएस की तरह वो कॉपी नहीं होते हैं। ओके, ये वेबसाइट्स को, कोई वेबसाइट्स को ये फॉलो नहीं करते, बल्कि इनके 45 एमसीक्यूज होते हैं और वो क्रिएटिव एमसीक्यूज होते हैं। ओके, उसके लिए अगर आप फार्मूलाज को अच्छी तरह से कवर अप कर लो, अपनी थ्योरी को पे वर्कआउट कर लो, ओके, और थ्योरी के थ्रू अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लें, तो होपफुली आप इस टेस्ट को बहुत ईजिली पास कर सकते हैं। ओके, इस टेस्ट के जो अनाउंसमेंट होते हैं वो भी 1 घंटे या 2 घंटे के बाद होते हैं। ओके, जब ये आप लोग से टेस्ट कंडक्ट कर लें तो उसके 1 घंटे या 2 घंटे बाद वो अनाउंसमेंट कर लेते हैं, तो कभी कभार तो उस दिन इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं, और कभी कभार इस तरह कहते हैं कि कोई नया दिन आपके लिए वो आपको मैसेज आ जाते हैं, जब आप रास्ते में होंगे, अपने घर की तरफ जा रहे होंगे, तो आपको रास्ते में मैसेज आ जाएगा और उस मैसेज में लिखा होगा कि आपका इंटरव्यू जो है वो इस डेट में, और आप अपना रोल नंबर जो है वो इंटरव्यू जो कॉल लेटर है वो आप अपने इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, तो फिर उस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट ईयर इन्होंने एक दिन में कंडक्ट नहीं किए थे कोविड की वजह से, तो इस दफ़ा तो कोविड का कोई इशू नहीं है, तो आप टेस्ट के साथ साथ अपने इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि पता ही नहीं लगता शायद उसी दिन टेस्ट वाले दिन आपसे इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लिया जाए। ओके, तो काफ़ी डिमांडिंग वीडियो था ये कि इसकी तैयारी किस तरह की जाए, तो ये इसमें आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को कवर कर लें, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल मशीन के जो टॉपिक्स हैं उसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, वो भी आपने अच्छी तरह से कवर करने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।